بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من

अच्छा यहाँ पे थोड़ी मेरी आवाज डबल हो रही थी अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है मौलाना कासिम हमारे साथ मौजूद है और आज का टॉपिक जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी रमजान के आमद से पहले और सवाल यही सबका आता है सारे इस्माइली हज़रत मुसलमान जमात इस्माइली जमात के बीच एक लंबे अरसे तक एक बहस चलती आ रही है कि मुसलमान ज़ाहरी रोज़े पर शरीय पर अमल करते हैं और हम इस्माइली तरीक़त मार्फत हकीकत के उस मंजिलों को पहुंच गए हैं जहां पर हमारे लिए जाहरी रोज़ा नहीं है हमारे पास बातनी तावील है बातनी रोज़ा है और यही असल में असल रोज़ा है दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद हमने मौलाना कासिम से रुजू किया हमने इनसे गुजारिश की आज ये मोम आज ये मसला हल कर दीजिए मसला हल होगा इनशाला कुरान और हदीस के हवाले से ना कि हमारी अपनी तावील या किसी किसी इंसान की अपनी जो है वो इंटरप्रिटेशन पर मौलाना कासिम से रुजू करते हैं असलम मौलाना कासिम साहब वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुहु मौलाना साहब रोजा असल में कौन सा है जाहिरी या बातिनी बिस्मिल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وقال تعالى ف... ف... فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى

और नफसानी ख्वाहिशात से बचने का नाम रोजा है ये तारीफ इस्लाम ने रोजे की की है अब सवाल ये उठता है कि रोजा ज़ाहरी बातनी नहीं होती रोजा तो इंसान अपने अमल से उस तरीके से करता है जैसे अल्लाह सुबहान तला ने हुम दिया रसोल सल्लाम ने अपनी सारी जिंदगी के प्रेक्टिकली करके साहब किराम अपने अहलब गज़ाम को सिखाया उस वक्त से पूरी उम्मत मोहम्मद साहिब उसी तरीके पर अमल करके आज तक चली आ रही है वही रोज़ा कहलाता इस्लामी अल्लाह का हुक्म है अब जो अल्लाह का हुक्म है वो तो खाने पीने और मुबाशरत से बचने का नाम है ये उसका हुक्म है और बातनी उसका फायदा यह है कि अल्लाह के इस हुक्म को मानने की वजह से इंसान जाहरी तौर पर अपने हाथ को बुरी तरफ जाने से रोकता है ये जाहरी है आंखों से बुरी चीज को न देखना चूंकि आंख जाहरी चीज़ है हम इसे टच कर सकते छू सकते इससे अमल होता है ये भी ज़ाहरी है पाओं से चल कर किसी बुराई की तरफ न जाना ये भी ज़ाहरी अमल है नजर आ रहे चलना इंसान चलता है आगे बढ़ता है ये जाहिर है इसी तरह गुनाह से अपने जिसम को बॉडी को बचाता है आजा को भी बचाता है बुरे बातों से गालम गलोच से फहश बातें करने से अपने जबान को रोकता है यह भी जाहरी है ये सब चीजें जाहरी तौर पर इंसान इन आमाल का मुक़ल्लफ़ है अब इसका नतीजा रूहानी होता है वो क्या है अल्लाह तबारक व अज़र देता है फरमाए कि अल्लाह तक सबका तमाम गुनाहों को सिवाय हुकूक इबाद के मतलब जिनकी तलाफी किए पैसे खाए वो तो देने पड़ेंगे वो उसके अलावा जो गुनाह है वो उन सबको मुआफ कर देता है ये उसका रूहानी बातनी फायदा है तो बात ही नहीं रूहानी तरक्की है उस रु, वो रूहानी तरक्की किस पर मुरतब है अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करने पर मुरतब है सवाब किस पर मिलेगा जब रोजा रखेंगे हाँ रोजे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं उस रुकने में नियत भी हो अल्लाह की, की। एक बंदा है इतफाकी तौर पर वो सुबह से शाम तक दुकान में काम करता रहा उसको याद नहीं आया खाना खाना वो रोजा नहीं होता है अल्लाह तबारक व तालशनुदी की नीयत भी हो अपने जबान को अपने मुँह को खाने पीने से भी रोके बुरे कलाम से भी रोके गालम गलोच से भी रोके अपने हाथ को भी रोके ये जितने जाहिर आज़ा है हम इन सब पर रोज इन सब के, के साथ रोजा रखे वो रूहानी इतबार से आला दर्जे का होगा हाँ कोई खाने पीने और मुबाशरत से तो बच रहा लेकिन गालम गलोज किया किससे लड़ाई की बुरी बातें की गलत महफिल में चल कर गए तो इसका इसके सर से जो कुतिबा अली म्याम फमन शहदमिन कोशहर से डायरेक्टली अल्लाह का जो हु रो, रोज़ा रखने का वो तो फ़र्ज तो, तो, तो सर से उतार दिया जैसे अलामा इकबाल कहते हैं ना कि मुसलमान ऐसे नमाज पढ़ते कि गोया के ये फर्ज ऐसे अदा करते जैसे कोई कर्ज था सर से उतार कर फेंक दिया तो आ, ऐसा नहीं होना चाहिए इबादत में ए, लेकिन ऐसा भी कर दिया तो सिर्फ उसका फर्ज तो अदा हो गया गुनाह कबीरा से बच गया वो लेकिन जो समारात रोजे के होते हैं जो बरक़ात है अल्लाह तबारिक वाल के यहाँ ऊंचा दर्जा है जो आला मकाम है जो जिसको रूहानी हम तरक्की कह सकते हैं बातिनी तरक्की कह सकते हैं जन्नत में एक हदीस में आता है अल्लाह सुबहान तला फरमाते हदीस खुद है, है हदीस लेकिन कौल अल्लाह सुबहान तला का है कि असोमली व अना उज्जा भी या आज दोनों हम इसको पढ़ सकते हैं रोजा सिर्फ मेरे लिए है मैं ही इसका बदला दूंगा या मैं खुद इसका बदला हूं देखिए ये उसके रूहानी बातिनी नतीजा है ये बातिनी नतीजा है रिजल्ट है जब हुँ. हमने अपने मुंह हाथ पैर आंख तमाम आजा से खुशनुदी अल्लाह के रिज़ा के लिए इखलास के साथ रोजा रखा अच्छे तरीके से तो उसका बातिनी रिजल्ट क्या आ गया अल्लाह तबारक व तला गुना फरमाते हैं मकामात बुलंद करते हैं और आखिरत में अल्लाह कह रहे हैं कि उसका बदला मैं खुद दे दूंगा या मैं खुद उसका बदला हूँ जन्नत में मोमिन मेरा दीदार करेंगे मैं उनका बदला हूँ उनके सामने होगा और मोमिन अपने अल्लाह को देखे इससे बढ़कर बरह रास्त तो इससे बढ़कर अल्लाह की क्या नीमत है तो देखिए रोजा एक लिहाज से आप देखें कि जाहिरी है इसका न, नतीजा आखिर में जाके जो रिजल्ट है ना इंसान को वो रूहानी इतबार से मिलता है इसलिए हम ईद में खुश होते हैं क्यों होते हैं कि सारा महीना रात को उठ के कुछ खाने को तबीयत नहीं करते हैं मजबूरन चूंकि पूरा दिन गुजारना है खाते हैं फिर जो है ना पूरा दिन मुंह बंद रखते हैं इफ्तारी के वक्त इस शदीद गर्मियों में लंबे दिनों में मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हालात होते हैं इंसान रुकता है पूरा महीना इस तरह गुजारता है और आखिर में ईद के दिनों में ये पूरा महीना जो इसने गोया के मजदूरी की उसको नतीजा मिलता है आखिर में अल्लाह तबारक ईद के दिन सब की फरमाते हैं इसलिए इंसान को ईद की खुशी होती है इसलिए ईद को ईद कहते हैं तो ये उसकी रूहानी तरक्की हो गई बातिनी रूह को हम देख छू नहीं सकते ना टच नहीं कर सकते हैं उसमें जो हमें मर्तबा मिला जो तरक्की हमें मिली जो हम आगे बढ़े ये उसका बातिनी रिजल्ट है उसको बातिन कहा जाता है अब अगर हम यूं देखे ना कि खाने पीने को जाहिर के है और आजाद गुनाहों से बचने को बातिन ये नहीं कहा जाए देखिए हाथ है ना हम हाथ को जब मिलाते आवाज आती है आंखें हम इसको छू सकते ये भी तो जाहिर आजा है ये बातिन चीजें नहीं है पाओ है दिल है आंखें हैं ये सब चीजें जाहिरी है हाँ इन सब का रोजा होना चाहिए इस्लाम भी हमें यही हुक्म देता है कि सिर्फ मुंह बंद रखना काफी नहीं है तमाम आजाद जवार पर पाबंदी के साथ खलूस नियत के साथ रोजा रखो और हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि इसी तरह रोजा रखे लेकिन फिर भी कोई कमी कोताही मामूली हो जाए इंसान चूंकि खताकार है फिर उसके लिए अल्लाह सुबहान तला ने आखिर में सदक फितर रखा है कि अपने रोज़ों के बदले में और छोटे बच्चे जो आपके घर में है उनकी तरफ से भी सदक़े के तौर पर अपने कमी को ताहियों को पूरा करने के लिए सदका दे दे किसी गरीब मिस्किन को ईद से पहले दे दे ताकि ये कमी कोताही भी मुआफ हो जाए और अल्लाह ताला आपको बातिनी या जन्नत में नसीब करे हम इससे जाहिर ये मुराद लेते हैं बातिन ये ये हालात मुराद लेते हैं उसका सवाब चूंकि हमारे सामने नहीं है जाहिर उसका जो मर्तबा है दर्जा है हमारे सामने नहीं है हम उन नजर नहीं आ रहा है वो अल्लाह तबारक वालेगा बात उसका बातिनी नतीजा वो है और ज़ाहरी तौर पर हम आमाल के मुकलफ है अल्लाह तबारक वाल हुक्म देता है अब आ, आप कोई सवाल भी उठाएंगे इनशाला मजीद में उसकी तश्ीर करूंगा इसी को मैं जारी रखूं फिर एक तरफा एक बात होती है जो बहन भाई जो भी हो सवाल किया हो या सामने लाए तो इनशाला उस पर बात करेंगे जी आ, मुझे सिर्फ तीन मिनट का टाइम चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिसकनेक्ट हो गया था आप अपना बयान सिर्फ तीन मिनट के लिए जारी रखिए ताकि मैं दोबारा से रिकनेक्ट कर सकू सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ कुछ वजाहत कीजिएगा मुसलमानों के लिए जो जाहिर और बात ठीक है बातनी अभी इसमाइली कम्युनिटी की तरफ से जो ये दावा है कि खाना पीना जाहिर है बाकी हम जो है तमाम आज़ा पर पूरे साल रोजा रखते हैं तो वो बातनी है तो वो बातनी नहीं है देखिये आजा जाहिर है जो चीज जाहिर है नजर आ रहा है उसी को रोकना या उसको किसी गुनाह से बचाना बातनी नहीं कहलाता है जिसको हम देख सकते हैं हम छू सकते हैं हम टच कर सकते हैं जिसका हिलना जुलना हमें नजर आता है वो भी जाहिरी के हुक्म में ही होता है अब खाने पीने से भी रुकना और तमाम आजाऊ जवर पर रोजा रखना ये ये जाहिरी ही है और इसका जो रिजल्ट नतीजा है इसके बदले में जो मिलता है वो हमारे सामने नहीं है जाहिर नहीं वो बातिन कहलाता है अब यह है कि अगर कोई ये दावा करे कि भाई हम बात तीन सौ पैंसठ दिन रखते हैं आप एक महीना रोजा रखते हैं तो मेरी गुजारिश ये है कि ये ये दावा बिल्कुल गलत है तीन सौ पैंसठ दिन तो हर एक मुसलमान को हुक्म है गुनाहों से बचने का हर मुसलमान बचने की कोशिश करता है चाहे उसमें दीवबंदी हो वहाी हो शिया हो सुनी हो जो भी मुसलमान हो वो बजने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसमें इंसान से ख़ता गलतियां हो अल्लाह तबारक वतााल कुछ को अच्छे अमाल की वजह से नमाज रोज़ा जक़ात हज की वजह से मुआफ़ फरमाता है वह कलिबात हो अदायगी करके उससे मुआफ़ी मांगे अल्लाह से मुआफ़ी मांगे अल्लाह मुआफ़ फरमा देंगे इसी तरह अल्लाह तबारक वाली वो गुनाह मुआफ़ करता है देखा गया है कि जो शख्स अपने रमज़ान को अच्छा गुजारता है गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करता है अल्लाह तबारक बता उसका पूरा साल अच्छा गुजारते हैं जो अपने रमज़ानबारिक में गुनाहों से खूब बचकर अल्लाह से गिड़गड़ा कर रात को तहजद में उठ कर रोकर दुआएं मांगता है तरावीह पढ़ के अल्लाह के सामने सजदे में रोता है अपने रातों को बुका में गुजारता है अल्लाह तबारक व ताला उसको मजीद हिदायत में तरक्रमाता है पूरा साल उसका अच्छा गुजरता है और रमज़ान बुरा गुजारने की वजह से अगले पूरे साल पर उसके असार असरा मुरतब होते हैं अब बचने की गुनाहों से हर कोई कोशिश करता है हर को हर एक को मुसलमान को सारा साल तीन सौ पैंसठ हुक्म है हर एक मुसलमान को कि चोरी नहीं कर सकते कत्ल नहीं कर सकते डाका नहीं कर सकते जिना नहीं कर सकते सबसे बचने का हुक्म है लेकिन रमजान में स्पेशल ही हुक्म है ये प्रैक्टिकल के लिए एक महीना देकर वो कहा गया कि, कि कोशिश करो इसमें खूब ताकि पूरा साल आपका अच्छा गुजरे और ये देखा गया है कि जो एक साल करता है पूरा साल अच्छा गुजरता है अब कोई ये दावा करे कि नहीं हम तीन सौ पैंसठ दिन खाने पीने से भी नहीं रुकेंगे स्पेशली गुनाहों से बचने की कोशिश भी नहीं करेंगे और जो है हमारा रोजा पूरा आ, साल जो है ना गुनाहों से बचे सिर्फ दावा है अमली तौर पर यह नहीं होता है देखा गया है कि जो रोजादार है वो रोजा न रखने वालों से ज्यादा बढ़कर गुनाहों से बचते हैं क्योंकि ये जो नेक से है ये गुनाहों से बचने का जरिया है इनकी वजह से

और इन्हीं के वाइज से जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जिसमें ये फोकस कर रही हैं और उन्होंने ये बताया है कि मुसलमान अभी तक शरीयत की पाबंदियों में तकालीफ में मौजूद है जबकि हमारे इमाम ने हमारे ऊपर से शरीयत की तकालीफ को दूर करके हम पे मेहरबानी की और ये मेहरबानी ये की उन्होंने कि उन्होंने ज़ाहरी इबादत की शक्ल बदल कर उसे बातनी करार दिया इसी बात को लेते हुए इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और उसमें से एक उन्होंने जिक्र किया कि अला जिक्र सलाम जो इनके इमाम थे उन्होंने जो है वो शरीयत के दौर को मुकम्मल उस वक्त अपने मौके पर कहा कि मैं जब इमाम बना तो शरीयत मुकम्मल हो गई इस बात की भी वजाहत चाहिए साथ उन्होंने एक ऐलान किया कि आज का दिन योम कयामा है आज के दिन आप लोग अपना रोज़ा सपहर के टाइम दोपहर को कोई दो बजे के करीब इनके इमाम ने जो है इनका रोजा तोड़वा दिया और उसको नाम दिया योम ईद क्यामा का और इस्माइली इसी वजह से जो है वो रोज़ा नहीं रखते जाहरी। अब इसकी भी चाहिए कि योमल कयामा और शरीयत की पाबंदियां ये सब कुछ शरीयत पाबंदी है क्या शरीयत तकलीफ है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं और फिर अपनी जमात को इस तकलीफ से आज़ाद पाते हैं वो भी अपने इमाम की मेहरबानी से इस पे भी वजाहत चाहिए आपकी जी शहनाज सलीम साहिबा जो कहती हैं वो कुरान से इस्तलाल करने की कोशिश करती हैं देखिये कुर, कुरान से जो हुक्म साबित हो हम दीन के लिहाज से जो भी दलील पकड़े उसके चार बड़े माखज हैं असल में दो माखज है उन दो से आगे बढ़कर उन्ही दो के मुताबिक होकर चार हो जाते हैं नंबर एक कुरान हकीम किताबुल्लाह सबसे पहली जो दलील है जो मजबूत दलील वो अल्लाह ताला की किताब किताब है, कुरान मजीद नंबर दो सुन्नत रसूल जिनको दूसरे अल्फाज में अदीस भी आप कह सकते हैं नंबर तीन इजमाय उम्मत हुँ. ये भी शरी दलील है लेकिन ये अगर पहले दो के मुताबिक हो तब शरी दलील है वरना कोई दलील नहीं नंबर चार से शरा शरी उस को कहा जा सकता है कि कोई हुक्म हमें कुरान मजीद में कुरान मजीद हदीस रसूल और इजमाय उम्मत में नहीं मिलती है तो फिर हम कुरान कुरानी के उसूल के मुताबिक जो इल्लत देखेंगे कुरान हदीस में जो इल्लत उसमें किसी हुक्म में मौजूद है हम एक नए मसले को जिसका हुक्म कुरान हदीस में नहीं है उसी इल्लत की बिना पर उस मसले पर क्यास करके उसका हुक्म बताएंगे इसको शरी कहते हैं इसके लिए क्यास करने के लिए फिर हर कोई न तो खैर क्यास नहीं कर सकता है उसके लिए अरबी दान होना कुरआन हदीस के जबान पर दस्तरस होना लुत अरब का माहिर होना और जो है न अदब अदब अरब का माहिर होना क्योंकि थे थे। जो है ना फसाहत बलागत अदब ग्रामर ग किया हुआ है फसी थे। थे। जबान है। उस जबान को उस दर्जे तक जानना ख़त से वाकिफ होना और के सब आशरा सात लुत में जो कुरान नाजिल हुआ है उसका इलम होना इंसान को इन तमाम के साथ हदीस के जखीरे पर पूरा दस्तरस हो पूरा अदीस आपको मुस्तजर हो ये नहीं कि पढ़ लिया मुताले में आया भूल गया नहीं मुस्ताजर हो फिर जो है कुरान हदीस के जो उसूल है जहाँ कुरान हदीस से मसाइल अखज करते उस पर भी इंसान को दस्तरस हो फिर वो ऐसे मसले में जो कुरान हदीस इजमाय उम्मत में नहीं है उस मसले को उसूलों के बुनियाद पर कुरान हदीस से निकालेगा इसको इस्तेमाल कहते हैं इस्तेमाल के लिए मुश्तिन का होना जरूरी है तो उनमें इल्म अल्मरफ इल्म लुगा इल्म, इल्म हदीस फलसफा मंतिक कलाम इन सब चीज़ों से वाकिफियत होना ही काफी नहीं है दस्तरस होना जरूरी है और उस बंदे का तकवा में उस दौर में मशहूर हो कि ये इंसान बहुत मतकी लिल्लाहियत रखने वाला अल्लाह से डरने वाला खौफ खशियत वाला इंसान है और कभी किसी शरी हुकुम में ज़रा कोताही नहीं करता है इसकी अमली जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो तो ऐसा शख्स कुरान हदीस में उन मसाइल का जो मौजूद नहीं है इस्तेमाल कर सकता है अब अगर कोई हुक्म कुरानी मजीद में वाज मौजूद है उसमें इस्तलाल इंसान नहीं कर सकता है वाज हुक्म मौजूद हो तो कुरान में कोई दलील पकड़ते हम किताब से तो उसको देखा जाता है कि यह किस दर्जे में साबित है क्या अल्लाह ने जो हुक्म दिया है जो आयत लाई है क्या इस आयत से यही मकसद मुराद है या इस आयत से इशारतन कोई और दूसरा हुक्म निकलता है या इक्त दलालतन एज ए दलालत करने के कोई हुक्म निकलता है इन चीजों को सबको सामने रख के देखना पड़ता है बाद मकसद के लिए आया है असल मकसद वो है लेकिन जिमन एक और तरफ भी इशारा होता है उसको भी इंसान नस से साबित होता है अब अगर इशारत और इबारतुल नस एक मकसद के लिए लाया गया एक जिमन चीज साबित होती है इनका आपस में टकराव हो जाए तो इशारत कम दलील है दलाल इबारत ओरिजिनल दलील है उस पर अमल किया जाएगा बाकी तमाम दलीलों को छोड़ दिया जाएगा इसी तरह एक जो है ना वो खफी के दर्जे में है एक अफवाह के दर्जे में है एक मुश्किल के दर्जे में है उनमें भी ताबीरात में फर्क है एक में कम है एक में उससे ज्यादा है एक में उससे ज्यादा है तो उस तरतीब से कुरान हदीस से मसाइल को इस्तेमाल अखज किया जाता है अब आ रहा हूँ मोहतरमा की तरफ मुहतरमा ने क्या कहा इस इन्होंने मिसाल दी समझाने के लिए ना रोजे बातिनी रोजे को समझाने के लिए मिसाल के तौर पर कहते हैं देखिए एक दाना है उसने तरक्की की बढ़ गया कोंपल निकला और आगे दरख्त हो गया उसमें फूल आ गए उसमें फल आ गए exactly, उन्होंने देखे यही कहा कि शरीयत फूल की मिसाल है तरीकत, फल की मिसाल है तेल हकीकत है और रोशनी मार्फत है कुछ इस तरह की बातें की जी, है तो, और, तो, जी बिल्कुल तो देखे मिसाल को मिसाल ये एक हिस्सी चीज है ना दरख्त को हम छू सकते टच कर सकते तोड़ सकते है उसके फल खा सकते हैं एक मादी चीज है मादी चीज अच्छा एक इसकी मिसाल थी दूसरे इन्होंने इंसान की मिसाल दी कि इंसान पैदा हो, होता है बच्चा है और बड़ा हो जाए तो कपड़े उसकी ज़रूरत के नहीं रहते उनके जो दिलचस्पियां हैं इंटरेस्टिंग वो तब्दील होता रहता है हो के बड़ा होता है संजीदा इंसान होता है कह रहे कि देखो मुख्तलिफ मराहल में तब्दीली आती रहती है और तब्दीली के मुतक अल्लाह के एक इन्होंने तब्दीली के मुताल भी एक आयत पढ़ी कि देखो इस आयत में भी तब्दीली अजीब गरीब कुरान से ना इस्तेमाल की कोशिश हो रही है देखल देखल अब देखल इस, इस पर इस पर क्यास कर रहे हैं ये अल्लाह तबारक वाले के अहकाम को कि अहकाम में भी तब्दीली होती है भाई देखल देखल ये जिस चीज पर कियास कर रहा है मकीस अलई कहते हैं जिस पर क्यास होता है ना उसको मकीस अलई और जिस तो चीज तो को उस पर क्यास किया जाता है इसको मकीस कहा जाता है तो इसके कियास में मकीस और मकीस अलई में आपस में कोई जरा भी मुशाबिया तालुक ही नहीं है एक है हुक्म अहकाम के कुबेल से है रोजा नमाज अका हज वगैरह वो अल्लाह की सिफत है इधर ये मखलूक सिफत को मखलूक पर कयास कर रहे हैं। ये जो मखलूक है दरख्त है जो है ना हसरत इंसान की पैदाइश है इसका अल्लाह के अहकाम आर्डर के साथ कोई ताल्लुक लिंग नहीं बनता है अब देख इस बिलफल इनके मिसाल को आगे बढ़ाते हैं इंसान बड़ा हो गया बच्चा था बड़ा हो गया तब्दीली आ गई आखिर में मर गया ठीक है तो रोजा बड़ा हो गया बड़ा हो गया मर गया नमाज मर गई क्या ये कहेंगे दिन दे मर दे गया आपनेटन किया इनकी बात का बल्कि ये तो कहती हैं कि जब शरीयत से निकलो तरीकत की तरफ जाओ तो ये दीन की तरक्की है इनके ये अल्फाज है। अब आपने जो बात की वाकई को ठहरती है कि तरक्की करते जाए मिसाले और मिसालेंबात है तो उनको तो मौत आ रही है जी उनकी मिसालों को लेते ना तो उस मिसाल को देखे इंसान के बच्चा था बड़ो हो गया बड़ो होके मार गया तो इस्लाम था फला फूला बड़ा हो गया इस्लाम मार गया अल्लाह का दीन जो है ना मिलिया खत्म हो गया म, मिसाल ऐसे दे रही है कि देखो बच्चा भी एतराज कर सकते हैं ना कि भाई आप जिसकी मिसाल दे रहे हो वो तो फना है सुबह का दीन क़ियात तक के लिए है तो देखे तब्दीली तब्दीली उस वक्त हम कर सकते हैं ना हम नहीं कर सकते तब्दीली बिलफर बिलफरज उस वक़्त हो सकती है वो अगर ये इनकी ये इनकी जो मिसालें हैं इस तरह की कोई चीज हो ठीक है ना हम इमारत बना रहे हो ठीक है इमारत में तब्दीली हो सकती है हम जो है ना कोई और कंस्ट्रक्शन गाड़ी का मॉडल बना रहे उसमें तब्दीली हो सकती है इसी चीज़ें इंसान अपनी जरूरत अक़ल के मुताबिक इधर उधर कर सकता है लेकिन अल्लाह सुबहान तला का दीन अल्लाह की ज़ात में तब्दीली नहीं है अल्लाह सुबहान तै की जात कदीम है अजल से है अब तक और अल्लाह सुबह के जो जो पैगंबर गुजरे उनकी रिसाल उसी के मुताबिक अपने अपने दौर में रहे रसोल की जरिए जबरीलम के जरिए रसोलह सल वम पर नाजिल फरमाई है वो क्यामत तक के लिए है रसोल सल्लम को फजीलत हासिल है ना दूसरे अम्बिया पर इमाम्बिया क्यों है क्यों फजीलत हासिल है मूसा बहुत लाड लेते हैं कुरान में जितना सलाम का जिक्र है किसी का नहीं है इब्राहिम के लिए कहा कि वफा इन्होंने तो वफा का कमाल कर दिया जो कुर्बानियां ली गई कहा कि कमाल कर दिया हंड्रेड परसेंट पास हो गया ईसा सलाम को कितने उनको क्या क्या उनके चाहत के मुताबिक मिली इदरीसम शेब्लम शीशल नोसलम ये सारे थे। परिंदों की बोलियां जानवरों की बोलियां जानते थे जिन्नात पर उनको कंट्रोल था आर्डर देते थे ये बनाओ वो बनाओ मेरे लिए महल बनाओ काम में लगे जाते थे बावजूद इसके रसोल्लाम को बादशाह भी नहीं मिली थी ठीक है जैसे जैसे दूसरों को मन चाहे मन माने उनको चीजें मिली मन उसलवा नाजिल हुए जिनके लिए ऐसे रसोल्ला को नहीं मिली थी बादशाहत भी नहीं मिली थी आपको फजीलत क्यों हासिल है ये एक सवाल है फजीलत इसलिए है कि वो जो नबूत का सिलसिला था वो अल्लाह के अहकाम आने का सिलसिला था अल्लाह के अहकाम में तब्दीली का सिलसिला था वो आकर रसोल्ला पे खत्म जो तरीका जो आर्डर जो अहकाम रसोलम को मिले वो क्यामत के सुबह तक के लिए है और जो इसी वजह से रसोल को फजीलत हासिल है कि उसके बाद कोई वही लेकर ले नहीं आएंगे और जो दिन जो तरीका रसोलम को मिली है वो क़ियामत तक के लिए है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी हाँ अपनी खेती बाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर बनाओ उससे जदीद मशीन बनाओ रसुल्ला से किसी ने आके कि ऐसी कोई मसला पूछा ना दुनियावी उनको कहा तुम आलमारी दुनिया को ऐसे कोई अल्फाज है Exactly हदीस के अल्फाज मुझे याद नहीं है भाई तुम अपने दीनी दुनियावी उमूर को तुम खूब जानते हो जैसे चाहते हो करो मुझसे क्यों पूछ रहे हो मतलब यह है कि खेती बाड़ी में किस तरह करने से ज्यादा फल देगा वो खजूरों में ना हाँ एक नर खजूर एक मादा खजूर के करीब बोलते थे उन्होंने कहा इस तरह करने से जो है ना वो फल ज्यादा आता है या उसके वो बीच कुछ अंदर से ना फूल निकाल के दूसरे खजूर के तने के साथ बांधते थे ऐसा करते थे क्यों करते हो कर इससे फल ज्यादा होता है कहा कि खजूर में ज्यादा आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा अगर है तो बस तो तुम्हारी मर्जी करो कहा कि ऐसे करने से क्या जो अल्लाह रिज़्क़ देता है वो तो होता ही होगा लेकिन जो वो सहाबी ने कहा इन सब मिसालों से पता चलता है कि भाई जो दुनियावी काम है अकलियंदाज में करने के खेती बाड़ी हो गई भाई सनात में कारखानों में जहाज़ों में जो है ना ऑटोमोबाइल्स में गाड़ियों में मोबाइल्स में नेटवर्किंग में इत जितनी भी चीजों में चाहे वो बाहरी हो बरी हो खलाई हो स्टेशन तक जितनी भी चीजें हैं इसमें तरक्की करने का तनवुओं का तब्दीली का किसने मना किया है जितने करे उतना इजाजत है दीन में इजाजत दी है मादी इस्बाब में मादी चीजों में लेकिन अल्लाह तबारक वाले के जो अहकामत है जो दीन बनकर आए है रसोल्लाम को फजीलत शराफत इमाम्बिया ये मरतबे इसलिए दिए गए कि आपके बाद दीन अहकाम में कोई तब्दीली नहीं है जो तब्दीलियां करके अल्लाह ने दिए सल्लम अपनी तरफ से भी जो डायरेक्ट अहकाम अल्लाह की तरफ से आए उसमें तब्दीली नहीं कर सकते जैसे कुफार ने मुतालबा किया था कि ये कानून जो कुरान है ना इसको तब्दील कर इतन इन आखर इनकी हमें दूसरा कुरान दे दो आप, आपने कहा कि इन अकाफ़िन आशू अगर मैं इस तरह नाफरमानी करूं अपनी तरफ से हुक्म दे दू मैं तो डरता हूँ अकाफ़ अजाबलीम दर्दनाक अजाब से मैं डर रहा हूँ तो रसूलुल्लाह रसोल्लाम की शरीयत उनके लिए जो अहकाम मिले हैं इस्लाम जिसका नाम है दूसरे अल्फाज में आप उसको शरीयत के है या इस्लाम के है या दीन के है ये तीनों मुतरद है ये क़ियामत के सुबह तक के लिए है इसमें जब रसोलह सलम को इजाजत नहीं है तब्दीली की है। जब नहीं है तो किसी भी फर्द को उसके बाद उसके फैमिली के अफरा चाहे हजरत अली हो हसनैन करीमाइन हो या जो है ना आ, हजरत बाकिर बाहिमल्ला हो या हजरत जाफर रही हो उनके फैमिली मैंबर्स उनमें से किसी को इजाज़त कहाँ हो सकती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं है दूसरे को हो ही नहीं सकती उसके बाद आकर इनके मुख्तरमा के बकौल शहनाज सलीम के बकौल ये फर, कहती हैं कि तेईसवा हमारा जो इमाम है हजरत जकर जकर हसन हसन जकर, जकर जकर, जकर जी सलाम साम सलाम तो हम उनके साथ शुबे पर, पर आम लोगों के साथ नहीं कहते हैं कि क्योंकि अम्बिया ने सलात वाम के साथ ये अल्फाज के, के लोग आदि हैं आम लोगों के साथ इसलिए हम नहीं ले सकते तो उनके बारे में कह रहे कि उन्होंने आकर कहा कि आज शरीयत के हुक्म मनसूख करता हूँ अल्लाह के यानी अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बानियां देकर हिजरतें करके जंगे लड़कर इस्लाम को नाफिज किया था, था हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने अपना खून तक बहा दिया अपने नाना के दीन को जिंदा रखने के लिए उस दिन को तेईसवें नस्ल में आकर किला अल मौत के बाद जिसका हसब नसब भी साबित नहीं है वो शख्स मनसूख करार दे दे दीन को खत्म कर दे ये देखिए अक्ल से भी इंसान सोचे ना यह अकल में आने वाली बात नहीं है एक बात एक दलील मैंने ये दी कि नबूत आखिरत क्यामत तक के लिए कोई तब्दीली नहीं कर सकता एक बात ला तब्दील अली कलिमातअ से ये यह है इसमें तब्दीली नहीं हो सकती नहीं। अब आया अब आ, ला तब्दील अली खलकल से भी इन्होंने इस्तला किया ला तब्दील अली खलकल के मतलब अल्लाह तबारक व तला हक को कबूल करने का जो इस्तेदात इंसानों में रखा है वो हर वक्त में बचपन में दरमियान बुढ़ापे में होता है उसमें तब्दीली नहीं आती हक उसको हक लगता है तो उसको कबूल करना चाहिए ये मतलब मुराद है अब दूसरी दलील य है कि कुरान ने जब ये सब कुछ नाजिल कर दिया नमाज रोज़ा जक़ात हज विरासत के मसाइल दुनिया जिंदगी पैदाइश से मौत तक के तमाम मसाइल जब सब कुछ वाज हो गया कुरान में इजमाली तौर पर रसोल वसलम ने प्रैक्टिकली करके उम्मत को सब कुछ सिखा दिया आ, ने फरमाया किलोम अकमल तो आज कंप्लीट हो गई थी मुकम्मल जब मुकम्मल हो गई हजतल आखिरी हज के मौके पर याद नाजिल हुई है इसके तकरीबन आ, कोई महीना चालीस दिन बाद या साठ दिन बाद दुनिया से तशरीफ ले गए जब दीन कामिल हो गया कामिल उसे कहते हैं ना कि जिसमें कोई नुकस ना रहे जब कामिल हो गया तो फिर उसमें तब्दीली नहीं हो सकती तब्दीली एक चीज को खत्म करके ना दूसरी चीज लाए ये सिर्फ अल्लाह सुबह फरमारे मजीद में मैं हम कोई आयत मनसूख नहीं करते जब मनसूख करते हैं तो उस, बेहतर कोई हुक्म लाते हैं अब यह है कि हुक्म लाते वक्त अल्लाह आयत बाकी रखु कर, तब्दील करे या हुक्म बेच दे और आयत ना हो जैसे अजानियतु फजल दू कुल्ला वाहिदिन अगर बूढ़ा बूढ़िया भी जिना करो उनको कोड़े लगाओ जो है या जो है ना अगर मोहसिन हो उनको रजम करो फर्जुमो माना कला मिन ये आयत तिलावतन मनसूख है लेकिन इसका हुक्म अब भी बाकी है तो ये जो कुरान में नसख करने का इख्तियार है एक हुक्म को खत्म करके दूसरे को लाने का सिर्फ अल्लाह सुबहानो तारा सिर्फ अल्लाह की ज़दात को है रसोल्ला बार बार जब मुतालिबात हुए यह नसारा की तरफ से कहा कि मुझे इजाजत नहीं है मैं अजाब से डरता हूँ मैं अगर ये करूं मुझ पर अजाब नाजिल होगा तो दीन का, कामिल हो गया दीन जब कामिल हो गया तो फिर इमामत या कामिल हो गया रिसालियामत तक के लिए उसको कायम रखकर खत्म कर दिया गया अब अगर आके करो कहते हैं कि नहीं शरीकाम अल्लाह के अहकाम जो कुरान मजीद में मुतवा नस के दर्जे में साबित है मैं अपनी मर्जी से चूंकि मेरा तालक रसोलस के फैमिली से है खानदान से अहैत से लिहाजा अहलैद होने के बिना पर इधर के अहकाम उधर इसको मनसूख इसको जारी इसका शिकल बिगाड़ दू ये मुझे इख्तियार मिला है नहीं ये तो नबूत पे ढाका है इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व या मेरे पास वही भेजता है जबरील के जरिए हुक्म को तब्दील करो या मैं अपनी मर्जी में इतना बख्तियार हूँ कि रसोल से भी मेरा अख्तियार ज्यादा है दीन को जैसे चाहू तब्दील कर सकते हूं। ये दावा है तो ये गोया के नबूत पे नबूत के जो सिलसिला है उसको जारी रखना है और सिलसिला खत में नबूत पे ढाका है ये ये एक ढाका है अमली तौर पर अमली तौर पर डाका है जबानी नहीं कहते कि हम रिसालत को जारी रखे हुए हैं नहीं अमली तौर पर कह रहे हैं कि अहकाम में तब्दीली का अख्तियार हमें है गोया की नबूत रिसालत वही का सिलसिला जारी है जो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई जी मौलाना कासिम इसके बाद ये क्लियर हो गई कि जबान से तो खत्म नबूत का इकरार करते हैं लेकिन अपने अमल से इसको साबित करते हैं कि ये इनकारी है ख़त्म नबूत के आगे भी बात करते हैं जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग ज़ाहरी या बातनी रोजे के हवाले हाँ से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए और एक घंटे के अंदर अंदर प्रोग्राम को मुकम्मल और इंफॉर्मेटिव बनाइए जो लोग कॉमेंट्स में है अगर आप ज़ाहरी जो हम मुसलमानों का शरीय शरीय के लिहाज से जो रोजा है जो हम लोग तमाम करते आ रहे हैं अगर आप शरीत वाला रोजा ज़ाहरी रोजा पर पाबंद है और उसी को करते हैं तो आप लोग लाइक कीजिए और जो इसमाइली हजरात हैं जो बातनी रोजा रखते हैं वो लिखें कि वो बातनी रोजा रखते हैं और क्यों रखते हैं इसका भी हम उनसे ही जवाब जानेंगे एक पॉइंट और ही कि जो ये जो क्लिप पीछे चलेगा शहनाज सली मुंजाई का चलाएंगे टाइम बहुत लंबा चल जाएगा इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इनका एक बयान है हवाला है पीर नासुर खसरो की किताब अः uh, कलाम पीर हफ्त बाब में सफा नंबर सिक्सटी फाइव पे और इस क्लिप में अगर आप रिसर्च करेंगे तो इसके सत्रह मिनट पर यह मैडम फरमाती है कि आठ सौ साल पहले अला जिक्र सलाम ने कहा कि अभी इफ्तार कर लो और वो टाइम क्या था बारह बजे का टाइम था अभी इफ्तार कर लो और ईद कयाम मनाओ तो जो इसमाइली ये कहते हैं कि हम भी रोजा रखते हैं तो वो अपने इमाम की नाफरमानी करते हैं इनके इमाम ने रोजा तोड़वाया और खत्म करवा दिया और कयामत नाफिज कर दी बल्कि नाफिज क्या करनी उन्होंने उसको मनाने का हुक्म दिया कयामत मनाई गई ये एक अजीब वाक्य है और इस्माइली हजरात काफी इस चीज से वाकफ भी नहीं होंगे लेकिन अपना ही ये वायजिन का सुन लीजिए क्यामत इनकी नाफिज होगी इसके बाद इनके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का भी एक बयान है और मैं उसकी हदीस आऊंगी क्योंकि मौलाना कासिम इसकी बेहतर तरीके से वजाहत करेंगे सुल्तान मोहम्मद शाह ने कई जगह पर जब भी जाहिरी बातरी रोजा या नमाज का जिक्र आया तो उन्होंने एक हदीस बयान फरमाई है और कहते हैं कि जाम तरमजीक में भी है और निश्कत में भी है कि तुम एक ऐसे दौर में हो कि अगर तुम शरीयत के दसवें हिस्से को भी छोड़ दोगे तो तुम हलाक हो जाओगे लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि जिसमें जो कोई भी शरीयत के दसवें हिस्से पर भी अमल करेगा तो उसको निजात मिल जाएगी इससे ये इसल करती हैं कि आगे वाले ज़माने के हिसाब से तब्दीली आएगी शरीयत में और वो तब्दीली का हक जो है वो नबी के जानशीन यानी के करीम खान रखते हैं इसका जवाब चाहिए कि दसवें हिस्से वाली हदीस का क्या ताल्लुक है रोजे से और अहकाम से जी मौलाना का तब्दीली का हक को पहले मैं रखता हूँ तब्दीली का दिली। हक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था तो उसके अहल को भी नहीं हो सकता एक बात वो तो कुरान हदीस में इनको देरों आयतें हदीस मैंने पढ़ी और जरूरत पड़ी इंशाल्लाह वो हम पेश कर सकते हैं अब आते हैं दूसरी बात पर हदीस पर हदीस जी हदीस इसलिए मैंने खोल के बाकायदा किताबें नहीं देखी हैं इसकी सेहत पर क्या कलाम है और चूंकि मुझे याद पड़ता है हम दर्शन पढ़ते हुए हदीस हमारी नज़र से गुजरी है।, है अब मैं इसकी वजाहत करता हूँ वसल्लम ने अपने उम्मत के बारे में मुख्तलिफ पेशंगुइयां फरमाई एक पेशंगुई यह है कि बनी इसराइल ने जितने गुनाह किए हैं जैसे जैसे किए हैं मेरी उम्मत भी उसी तरह गुनाह में मुबतला होगी अगर वो जाकर किसी बिल में सुराख में घुसे ना तो ये भी जाकर उसी सुराख में घुसेंगे अगर उन्होंने एक, जितने भी बड़े गुनाह किए किसी ने खुदा न खास्ता अपनी माँ के साथ जना किया है ये उम्मत भी उस गुनाह में मुबतला होगी उम्मत में आखिरी दौर में इतने इतने गुनाह होंगे इतने बड़े गुनाहों में मुबला हो जाएंगे कि जो शख्स रास्ते के बीचों बीच रास्ते के किनारे इधर इधर जिना वगैरह आम हो जाएंगे जो रास्ते में बिल्कुल आरोप कर रहा होगा उससे कहे कि इस रास्ते से जरा साइड पे हो जाए तो ये जो बंदा इसने इतनी दावत दी इसका ईमान इतना बड़ा होगा जैसे अबू बकर उमर का ईमान था मतलब फितनों का गुनाहों को इसका इस तरह दौर दौरा होगा तो, तो दौर में जो जरा भी नेक अमल करेगा वो उसका कदर वो दसवें फिर हिस्से पर इस्लाम के दसवें हिस्से पर भी अमल करेगा गोया कि उसने बहुत बड़ा तीर मारा बहुत बड़ा अमल किया उसका उसको बहुत अजरू सवाब मिलेगा क्यों हर तरफ फितने ही फितने होंगे गुना ही गुना होगा दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे कि अंगारों को अपने हाथ पे उठाना ये ये भी आता हैदीस में दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा तो उस दौर में जो शरीम पर अपने हाल के वत के मुताबिक थोड़ा भी अमल करेगा अल्लाह उसको बहुत बड़ा आज़र देगा अब अपने दौर के बारे में रसुल्ला फरमा रहे तुम्हारा दौर यह है कि दस फीसद को भी छोड़ोगे तुमसे वो काबिल कबूल नहीं होगा क्यों क्योंकि तुम में अल्लाह के रसूल खुद मौजूद है तुम्हारे सामने कुरान नाजिल हो रहा है तुम्हारे सामने जिबली कुरान लेकर आ रहे है नबी अपनी जबान मुबारक से तुम्हें कुरान सुना रहे तुम्हें तरीका सिखा रहे तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो मैं मुसल में होता हूँ और मेरे अमाल किरदार अखलाक सब तुम्हारे सामने है मैं तुम्हारे अंदर हूं। इसके बावजूद भी अमाल में कोताही हो जाएगी कबूल नहीं होगा बेहतर से बेहतर दस फीसद को भी नहीं छोड़ो कोशिश करो हंड्रेड परसेंट करो थोड़ा कम हो जाए फिर भी खैर है लेकिन दस परसेंट से नीचे तक इजाजत नहीं है लेकिन जो बात में आखिर आखिर में क्यामत के करीब क्यामत में जो उम्मत होगी वो इतने फितनों गुनाहों से मुझसे इतने दूर होने के बावजूद फिर भी दीन पर अमल करेंगे दस फीसद भी अमल करेंगे उनको बड़ा आजर मिलेगा वो जैसे कैसे उठ बैठ के उठक बैठक करके स्पीड से भी नमाज पढ़ेंगे ये नमाज के बारे में खसूस जिक्र है कि वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़े जैसे मुर्गी के चोंच मारने की मिसाल भी है इस तरह भी नमाज पढ़े कहा कि वो साहब के का वो खलूस खुशबू वाले नमाज के बराबर होगा क्यों इसलिए कि उम्मत अपने रसूल से बहुत दूर भी है फितनों गुनाहों का है फिश्कू फजूर है उसमें थोड़े अमाल की भी कदर है सहाबा के दौर में बड़े अमाल की कदर थी ज्यादा अमाल का तकाज़ा था क्योंकि सब चीजें उन पर वाजह थी इस हदीस का ये मतलब है कि दस फीसद भी अमल करोगे वो उसका बड़े से बड़ा अजय मिलेगा ये नहीं है कि तुम उस वक्त आके दीन को तब्दील करके चेंज करके कोई और रूप देकर नाम देकर उसको दीन कह दो तब्दीली तब्दीली का जिक्र नहीं है आमाल में कोताही का जिक्र है इस हदीस सही सुबह आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया और इतनी बेहतरीन वजाहत की है कि मेरे ख्याल से अब इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए और ये हमारे भाई है, आ, कहते हैं कि हैरत होती है कि ये लोग एक हदीस की बुनियाद पर कुरान की कितनी वाज आयतों को झुठला देते हैं जिसमें रोजे का सही तरीका भी बताया गया है लेकिन हदीस को बेस बना के असल चीज को छोड़ देना ये भाई ने बड़ी अच्छी बात ये, ये शुरू में शुरू में मैंने उसूल बता दिया ना किताबुल्ला और हदीस में तज़ाद होगा अमूमन तजाद नहीं होता है अगर जहाँ के ही आखिर में तजाद आया कुरान की आयत के खिलाफ हो गया तो हदीस को तरक किया जाता है कुरान को तरक नहीं किया जाता है इसी तरह हदीस कौली है एक हदीस फैली है कौली को लिया जाता है फैली को तरक किया जाता है एक रसोलम ने काम किया और उसके खिलाफ हुक्म दिया तो जो हुक्म है कौली हदीस उसको लिया जाता है आर्डर को उस वक़्त फैली को छोड़ा जाता है तो देखिए दलाइल का आपस में ग्रेड है दर्जात है तो वो शुरू में मैंने अरज किया ना कि किताब से होता है, है। यानी कुरान को नहीं छोड़ेंगे की बहुत अच्छी बात है और भी भाई कोई सवाल करना चाहे तो कीजिए मैं तो पूरे दो पेज लिखे हुए थे मौलाना कासिम के लिए अगर आज नहीं सवाल मेरे मुकम्मल होंगे तो इस प्रोग्राम का सेकेंड पार्ट भी रख लेंगे मुझे एक जरा तशवीश हुई है मौलाना कासिम इन मैडम ने जो है छब्बीसवें मिनट पर कहा है कि कहती है कि अब मुसलमानों को एक फैसला करना होगा बहसियत कौम इनकी जहां पर रोजे सर्दी में चार घंटे के होते हैं और कई जगह पर गर्मी में इक्कीस इक्कीस घंटे पे मुहित होते हैं इनका हल इमाम ही दे सकता है ताकि जैसे रोजों का टाइम आवर्स फिक्स कर दिए जाएं यानी इस वक्त जो है कुछ मुसलमान कम टाइम का रोजा रख रहे हैं कुछ लंबे अरसे का रख रहे हैं तो ये एक मसला है और इस मसले के हल के लिए इमाम के पास हल है और वो हल ये है कि इसका टाइम मुकर कर दिया जाए रोजे के घंटे मुकरर कर लिया जाए और ये हमारे ऊपर ये मसला डाल रही है इसका क्या जवाब देंगे आप वाह इमाम क्या पता, पता।, पता है इमाम को पता है खुद रोजा रखे तब तो पता चलेगा ना कि इसका ये शरीर मसला है या आप कोई भी दल कोई भी फतवा की किताब फतवा उर्दू वाले की मैं बात कर रहा हूँ ना वो उठा कर देखे उसमें भी है पहले फुका ने भी इन मसाइल को लिखा है चूंकि यहाँ मसल मसल हाँ कोई नार्वे डेनमार्क द्वारा ये सवाल हमसे पूछे हम उसको तरीकार बताएंगे कि किस तरह रोजा रखे जहां पर मतलब इक्कीस बाईस घंटे बीस घंटे का है कोई उस उसको रख सकता है अजीमत पे अमल कर रहा है रखे ठीक है और इतने लंबे में चूंकि इनको रोजों की वजह से ना रोजे याद पड़ गए नमाजें भूल गए हालांकि वहां नमाजों का असल में बड़ा मसला होता है कि दिन इतना लंबा है कि एक घंटे बाद अगला दिन शुरू हो जाता है बाजात दिन इतना छोटा होता है कि एक डेढ़ दो घंटे बाद अगला अगली रात शुरू हो जाती है तो उनके लिए फिर फुका क्राम ये मसला बताते कि जो आपके करीबी मुल्क है इर्द गिर्द के जो करीबी शहर है उनके टाइम के मुताबिक अपनी नमाजों को पढ़ती रहे अच्छा। टाइम के मुताबिक पढ़े वहाँ जोर है आप जोर पढ़े वहाँ असर है आप असर पढ़े वहाँ है आप मगरिब पढ़े वहाँ इशा है वहाँ इशा पढ़े अच्छा। और रोजों में इक्कीस बाईस घंटा रखते हैं तो उस फजीलत पर अमल कर रहे हैं वरना वो जो है ना दूसरे मुनासिब दिनों में उनकी कजा भी कर सकते हैं और जो है नहीं है तो फिर कोई मजबूर है तो वो फिर अगले करीबी मुल्क को इतबा करे उनका अच्छा यानी कि इन्होंने जा, जाफर भाई भी कहते हैं ये कब से मसला बन गया मसला तो तब होता जब हमारे पास हल नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कासिम साहब ने ही इसका हल बता दिया और का, काफी उर्मा कराम ने भी इसका हल पहले से ही बता दिया तो ये मसला नहीं बल्कि ये हमारे जहन में एक बात डाल रही थी के इमाम के पास मसले का हल है जबकि इनकी जमात जो है वो रोजा ना रखती है और ना रखने के कायल हैं। राजू यश ने ज्वाइन किया लेकिन अभी आपको हम मौका नहीं देंगे बात करने का जब मौलाना कासिम की तमाम बातें मुकम्मल हो जाएंगी तब सवाल जवाब का जो है वो सिलसिला रखेंगे राजू भाई आप वेट कीजिएगा तब तक, तक और आप इस्माइली हैं तो आपसे भी हमारा होना चाहिए बातचीत अच्छा यहाँ पे एक <coughs> अच्छा कोई बात करना चाहे तो जरूर कर लीजिएगा मेरा सवाल अभी है मैं वो सवाल कर लेती हूँ बल्कि सवाल नहीं एक इनका एक अलाउद्दीन के बारे में पैराडाइज ऑफ सबमिशन का नंबर इनके फितरत का कुछ हवाला है फितरत नंबर ट्वेंटी एट पर ना का फरमाते हैं और इस वीडियो क्लिप में सत्ताईसवें नंबर पर सत्ताईसवीं मिनट पर जो है ये फरमाती हैं कि इमाम अलाउद्दीन मोहम्मद जो कि इमाम अला जिक्र सलाम के बाद इमाम बने उन्होंने फरमाया था कि शरीयत के दौर में साल के बारा महीनों आफ्ताब से, से लेके गुब आफ्ताब तक खाने पीने से रोकने का नाम रोजा है जबकि इस जमात का इस बात का तकाजा करता है कि इंसान की पूरी जिंदगी में लम्हे भर के लिए भी हकीकी रोजे को तर्क न किया जाए जिसम का एक वजू बंद कर लेना रोजा नहीं होता कहते हैं कि मोमिन का हकीकी रोजा 365 दिन का होता है इसका क्या जवाब देंगे इनके <coughs> इमाम हम, का फरमाना हमारा भी हकीकी रोजा तीन दिन का है गुनाहों से जिना से तीन दिन बजने का हुक्म है शराब पीने से तीन दिन बजने का हुक्म है कि किसी का हक मारने से तीन दिन बल्कि क्यामत की सुबह तक मरने तक मरने तक का है जब से बालिग हुआ है मरने तक का हुक्म है और जो है ना नाहक अपने पड़ोसी को सत न सताने का हुक्म मरने तक है तीन सौ पैंसठ दिन है ना जायज तरीके से माल कम, न, न कमाने का हुक्म जो है वो तीन सौ पैंसठ दिन मरने तक हमारे लिए हुकुम है और जितनी जिंदगी है पूरी जिंदगी यह यहकाम तो हमारे उस सर पे हर वक़्त है लेकिन ये जो खा, खा खाने की हलाल रोटी जो है ना इसको रमज़ान रमजानबारक में इससे भी बचने का हुक्म है हम तो इसमें मजीद इजाफा कर रहे हैं हम हमें इन सब चीजों का हुक्म तो तीन सौ पैंसठ दिन आ, है लाइफ टाइम हुक्म है नाजाइज हराम फराइज को अंजाम देने का और मनहियात से बचने का तीन सौ पैंसठ लाइफ टाइम हुक्म है बाकी हम इसमें मजीद जो इजाफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लास को अल्लाह ने कुरानी मजीद की दो आयतें कुबा आल फमन शहदम इनको मुश्ह रफल यसुम इनके जरिए जो बताया है ना वो खाने पीने का जिसको अस्वादु। अस्वादी ये जो काली दारी और सफेद दारी आपस में जब जुदा हो जाए तो उस वक़्त काली जाके सफेद आ गए बस खत्म और हता जरी इला आ, आगे याद नहीं आई बीच में बात आके तो कह रहेब आफ्ताब तक ये जो है ना ये कुरान ने खुद बता दिया एक सहाबी ने क्या किया रसल ये खैज जो है ना ये धागे को कहते हैं सुबह के है, लंबे दागे वो जो सफेदी को रसोसम ने दागे से ताबीर की तो एक सहाबी सो गए और है, जो है ना एक काला एक सफेद दागा तकिए के नीचे रखकर उठ उट गए उठ के वो काले सफेद धागे को देख रहे हैं कि भाई इनमें मुझे फर्क महसूस हो रहा है या नहीं तो ये बात ने रसोल्ला को बताई तो उनको समझाया कि ये जो खाने पीने की इजाजत में आपको दे रहा हूं ना ये इससे मतलब ये काला और सफेद धागा नहीं ये जो उफ पर लंबी मुस्ततील जो सफेदी और सुर्खी वो काला आता है वो मुराद है तो उस सहाबी ने गलत समझा था इससे देखो यहाँ से भी बा... इतने सहाब राम की सारी जिंदगी के जो अमाल हमारे सामने ना वो खाने पीने से अपने आप को रोकते थे फिर उनके रोजे के बारे में हजरत अली के अकवाल और जो है ना हस्तैन करीमाइन के अमाल वो सब तारीख में हिस्ट्री में हदीस में हमारे सामने वो कैसे रोजा रखते थे खाने पीने से बजते थे बाकी जो अमाल है ये तो पूरे लाइफ टाइम का हुक्म है हमारे लिए लेकिन ये जो हलाल खाना पीना है न पानी इससे भी इस महीने में बचने का हुक्म है तो उसका फलसफा पिछले हफ्ते में मैं बयान किया था कि इससे जब बद बचता है ना इंसान फिर नफ्स भी कंट्रोल में आता है नफ्स भी सुस पड़ जाता है किसी के भूख अफलास का भी एहसास होता है किसी के दुख गम का भी एहसास होता है वरना इंसान इसको बरता रहे सारे साल भूख का मौका ही ना आए उसको क्या पता है कि क्या किसी के यहाँ फाका हो तो कैसा दर्द होता है कैसे तकलीफ होती है इसमें बड़ी हिकमत है रोसे में बड़े तो है इसका वो बयान करे तो हजारों कस्म के फलसफे बयान कर सकते हैं बहरहाल समझने के लिए इतना काफी है जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कासिम मेरे तो सवाल मुकम्मल हो गए मौका देते हैं अपने पैनल को भी और आखिर में एक और बात इस प्रोग्राम का पार्ट टू आपको पता है जैसे ही एक घंटा पूरा होता है और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो हम यूट्यूब पर उसे दोबारा से रिफ्रेश कीजिएगा और उसी चैनल पर चेक कीजिएगा तो आपको इसका पार्ट टू मिल जाएगा क्योंकि पार्ट टू में अब हम हमारे साथ दिलदार भाई भी मौजूद हैं जो कि स्माइली हैं राजू यश भाई भी मौजूद हैं वो भी स्माइली हैं तो मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग डिबेट इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है आज के प्रोग्राम के हवाले से इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले हमारे जो पैनल में लोग हमारे जो भाई मौजूद हैं रिवर्ट्स हैं अगर वो कोई बात मौलाना कासिम से अभी पूछना चाहते हैं इस टॉपिक के हवाले से तो जरूर पूछे ताकि फिर मैं डिस्कनेक्ट करूं और जो लोग यूट्यूब पर हैं चाहे मौलाना कासिम से जी मैं करना चाहूंगा जी जी भाई जी का मेरी बातचीत एक दो तीन दिनों से इस्माइली से हो रही थी फेसबुक पे तो वो जो आपा हैं वो उनको मैंने सवाल किया कि दीन में तरमीम करने की किसको इजाज़त नहीं है तो हमारा काफ़ी लंबा डिस्कशन हो रहा था तो उसने कहा कि हमारे आगा खान साहब को हमारे हाजर इमाम साहब को जो है जो है उनको अथॉरिटी हैं ऐसा कह रहे थे वो उनको अथॉरिटी है दीन में तरमीम करने की क्योंकि वो गदीर कुम का वाक़ सुना रहे थे तो मैंने उनको सोरा यूनस आयत नंबर फिफ्टीन कोट किया के भाई ये तो नबी जी को भी इजाजत नहीं थी दिन में तरमीम करने की और वो आ, अंदेशा रखते हैं बड़े के दिन का। तो नहीं हमारे इमाम को अथॉरिटी है क्योंकि हमारे इमाम जो है वो नबी की नस्ल से है तो आप इसको रोशन इसका जवाब इसका जवाब पार्ट टू में ले लेते हैं क्योंकि अभी मुझे इस प्रोग्राम के जो टॉपिक है इस पर अगर कोई सवाल है तो कीजिए वरना मुझे इजाजत दीजिए मैं प्रोग्राम जो है वो क्विकली स्विच करूं जुनेद भाई अनिश भाई और इसके अलावा हमारे जाफर भाई जो भी आमिर अहमद हमारे तमाम भाई जो हमें फॉलो कर रहे हैं आप प्लीज दोबारा रिफ्रेश कीजिएगा और इसका पार्ट टू देख लीजिएगा अः यहाँ पे मैं राजू भाई का जो है वो माइक अनम्यूट करती हूँ दिलदार भाई से भी गुजारिश करूंगी कि आप भी अपना सवाल स्टार्ट कर दीजिए जो करना है जी राजू भाई असल